अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाल है आप सबका? आप लोग तो जवाब दे नहीं सकते, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो अब जी आते हैं, पहले यार मैं ना अब आज क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है, और दिन का ऑर्डर मैंने आप लोगों के सामने करना है, ठीक है, ट्राई करूँगा। अभी मेन बात की तरफ आते हैं, अभी मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की, उसमें कहीं गाड़ी का फ्यूल एंड हो गया था, तो भाई उन्होंने कुछ ना जो हेटर्स हैं वो कमेंट्स करते हैं भाई पेट्रोल डलवा लो, सुई खा ली है, जब देखो सुई खा ली थे। ओ यार हफ्ते से टैंकी फुल करा के फिर रहा हूँ मैं, तब तुम उन्होंने नहीं कहा भाई पेट्रोल फुल है, भाई पेट्रोल खाली कर दो, पेट्रोल खाली कर दो, या पेट्रोल की टैंकी फुल है भाई, ज़रा सी एंड हो जाए। तुम लोग आए थे भाई, मैं रोज़ाना गाड़ी चलाता हूँ, तकरीबन बिना तकरीबन कई कई घंटे मेरी रोज़ाना गाड़ी चलती है। जो बकवास करते हैं ना ये भलाई कौन होते हैं जो ये 70-50 का पेट्रोल लगा के पूरा लाहौर घूमते हैं, उधर तो निशान शो नहीं ना होता पेट्रोल का, मैं इस वजह से यहाँ पे आगे बकवास करने लग जाते हैं, इसके सेंसर ख़राब है, खुद ही कभी एंड हो जाते हैं तो खुद ही कभी फुल भी हो जाती है। अच्छा चलो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, आज हमने करनी है क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई। यार ये किस यहाँ पे कहीं पे फ़ोन लगता है मुझे पता नहीं कहाँ लगता है, लेकिन मैं वो डिवाइस कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाऊंगा शालमी से, हाथ ही रख लेते हैं। तो आते हैं मेन पॉइंट, सबके ब्लॉग का रिप्लाई कमेंट्स का रिप्लाई करने, यानी क्वेश्चन एंड आंसर है आज हमारा। तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वीडियो भी बन रही है और रिप्लाई भी करना है। यकीनन ये वीडियो 30 मिनट की है, कहीं भी नहीं जाती 30 मिनट की वीडियो, कम से कम भी। वैसे ही मैंने कल कम्युनिटी पर वो पोस्ट की थी तो काफ़ी उन्होंने कहा कि वीडियो लंबी हुआ करे, यानी 22-25 मिनट की वीडियो हुआ करे, तो इंशाल्लाह ये वीडियो लंबी ही होगी, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होने लगी है। एक दोस्त को भी लाया, उसके मोबाइल से मेरा चैनल खोलेंगे, वहाँ पे जो कमेंट्स होंगे 1000 के करीब हैं, 1000 से ऊपर ही होंगे, तो उसका रिप्लाई करेंगे हम। तो आ गया मेरा दोस्त, जो कंसीट से अभी 11:30 अभी ज़्यादा चीज़ें कम होती जा रही हैं। और ये है भाई जान, ये भाई कल अपना एक्सीडेंट करवा के आए हैं, सभी आगे कर लेता हूँ गाड़ी, कल नहीं सुबह इसने एक्सीडेंट करवाया, नहीं ये काम पे जाता, मतलब ये पढ़ता है या ये बाहर फैन दे है तो फैन दे। अच्छा बोस जी कम टू द पॉइंट, नेट है आपके पास? मोबाइल मेरा कर रहा है, मोबाइल तो लेके आता, क्या करना था मोबाइल, और क्वेश्चन ऐसे कहाँ से निकालूंगा, एक मोबाइल से वीडियो बनेगी तो एक मोबाइल से आंसर नहीं करने थे, इससे आंसर करूंगा तो तेरे मोबाइल से वीडियो बनानी थी। चल तेरे घर जाके पकड़ ले, चार्जिंग है ना? हाँ भाई मैं चार्जिंग है। ये मैंने टिंडे करा दी रिसेंटली, आपको पता ही होगा पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा इसको, रुक जा मैं घर से तार मंगवा लूँ, मैं वीडियो बनानी थी, देर तो मेरा फोन बंद ना हो जाए। कितनी चार्ज है? 60% बेटा आईफोन है, इसका भरोसा नहीं करते होते, मैं मंगवा लेता हूँ। सो गाइस कांग्रेचुलेशन रिम्स का, मैंने उसको कर दिया, और मतलब क्या बात हो गई हमारी, 75 को मुझे रिम मिला है, ब्रांड न्यू डब्बा पैक, जो यहाँ पे मिल रहा था वो यूज में मिल रहा था मुझे 80 के करीब, हाँ, और वो मुझे मिला 75 का फाइनल, ठीक है, वोइजन का है, 8JJ है, सिल्वर कलर है, और कल मैं उसको ऑर्डर करूँगा, उसने बोला शाम को नहीं तो सुबह सुबह पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो उसकी वीडियो भी मैं लगाऊँगा, लेके आएंगे, पता नहीं किधर आएगा किधर नहीं आएगा, कार्गो करेगा, जाहिर सी बात है, सास ये डर रही है पैसे ना खा जाए, क्योंकि बंदे को मैं इतना अच्छा जानता नहीं हूँ, और रिम भी सस्ता दे रहा है, रिम कोई बनता उसका 80 के करीब तो मांगना बनता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन वो 75 पर दे रहा, तो उसके पीछे क्या तलक मैं तो काफ़ी लड़ा, मैं कहा मैं यूट्यूबर, मैं टिकटॉकर, मैं ये भाई तू देख रहे तू मुझे देगा तुझे मैं कस्टमर दूंगा, आगे तेरी मर्जी है। कहता भाई एक बात को, मैंने कहा हाँ, कहता माइंड ना करना, मैं कहा जी जी भाई बोलें, कहता यार मेरे पास 33 है, मैं टिकटॉक नहीं देखता, मैं कहा लानत तो मुँह में बिस्ती करी जा रहा है मेरी, चले खैर कोई नहीं, वो लड़का गया घर। तो यार ये पिंपल मुझे कल निकला है, पता नहीं क्यों निकला है, इसको क्या खराई हुई थी, लड़का घर गया, अब पेमेंट पूरी करनी है लड़के से, अभी मैंने जाके एक लड़के से पैसे पकड़ने हैं, उसे देने थे मेरे से, मैंने कल व्हाट्सएप पकड़ने थे, और एक ने देने हैं सुबह मुकर के देने थे, लेकिन फिर मेरे पास पूरे पैसे बन रहे हैं, ठीक है, रिम मेरे आराम से आ जाएंगे, उसके बाद खर्चा ऊपर भी कर लूँगा, नो इशू। कार्गो का मेरे यहाँ से 1500-2000 ही होगा,
उसके बाद अब ये भाई घर फोन लेंगे तो आकर इसका नेट का पैकेज हो, नहीं तो मेरी बैटरी लुल जाएगी, नहीं तो उसको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा ना, फिर वहाँ से आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना शुरू करता। तो ठीक है, एग्जैक्ट अगली वीडियो में मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा कमेंट्स का आंसर करना। साथ साथ ही हम चलते हैं अपने उस दोस्त की तरफ कैफे, जिसका आपको मैंने बताया था कैफे से उससे मैं पैसे पकड़ता हूँ उसको मैं। अच्छा, सामने भी देखे सुन तू ऑसम ड्राइविंग स्किल ब्रो, शुक्रिया भाई। When you drive like that, make sure the passenger remains silent, unlike your friend. Otherwise, no matter how skillful you are, you will get confused someday. नहीं, कुछ भी नहीं होता। मुझे मज़ा आता है जब उनकी चीखें निकलती है ना मेरे साथ वाले दोस्तों की, मेरी दिल्ली तमन्ना पूरी होती है। सही है। Waiting for the time he will fit me with exhaust. Exhaust और body kit सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी नई गाड़ी है रनिंग पूरी हो जाए। लव फ्रॉम इस्लामाबाद, शुक्रिया भाई जान। आई रिस्पेक्ट योर ड्राइविंग स्किल्स रहील अहमद, माशाल्लाह। मलिक अली ब्रो, शरकपुर रहो यार, कभी गाड़ी पे हाकिम के जामुन खाने सर्च ऑन गूगल लगी ब्रो। हाकिम के जामुन कोई खाने वाली चीज़ ही होगी यकीनन, इंशाल्लाह भाई जान ज़रूर। कशान 14-17 inch रिम्स अवेलेबल फ्रॉम भाई, आप लेट हो गए, मैंने भी ऑर्डर कर दिया रिम्स, आपने मुझे इंस्टा पर DM ही कर देते यार, या बल्कि अभी भी कर दो मैं कैंसिल करा दूंगा अगर रिम्स ज़्यादा अच्छे हुए आपके तो। अमेजिंग कट्स, थैंक यू मंजर जादी, योर ड्राइविंग स्किल्स आर स्किल्स ब्रो नेक्स्ट लेवल, थैंक यू। टॉक्सिक प्लेयर देन फ्रॉम टूर प्लेयर जन्नत फातिमा, 3:10 पर स्टॉप करना, ऐसे लगता है काशी के साथ में सीक्रेट है। नहीं सीक्रेट वो कोई वीडियो में ला कर होगा। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान, लेवल के रिम है यार, नहीं लेवल के रिम में है खाली वो। अहमद रजा माशाल्लाह भाई, आपके ब्लॉग बहुत बढ़िया होते हैं, और भाभी को भी लाया करें ब्लॉग्स में, और भाई कार आप नेक्स्ट लेवल चलाते हो, हमारी दुआ आपके साथ है। कार्तिक बांगू, यानी यू आर फ्रॉम इंडिया, थैंक यू ब्रो। और भाभी जो है ना वो अब कराची होती है, कश्मीर कह रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आएगी इसी मंथ में, फिर उसके साथ एक ब्लॉग में जरूर डालूंगा, एक नहीं तो दो इंशाल्लाह। कश्मीर नहीं कराची। अच्छा। गलती से कश्मीर निकला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिस्पेक्ट फॉर योर स्किल्स अदर देन दैट, क्या ज़रा डिफरेंस तो हाईलाइट करें प्रीवियस कार में और सिटी में। अच्छा GLA की बात कर रहे हो ना, तो इसके बारे में ब्लॉग में जरूर बनाऊंगा। उसके अलावा भाई बस डायलॉग, मौत जब लिखी होगी तब ही आएगी, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू भाई। धनवेश चौधरी, देवांश चौधरी, कोई ब्रो माइंड ना करना ज़रा, मैंने नेम पहले नहीं सुना हुआ था। और उसके अलावा हैदर नासिर वर्ल्ड लव काशिर लव होंडा सिटी, थैंक यू। पूजा कबरा, लव यू ब्रो फ्रॉम इंडिया, बेस्ट ड्राइविंग एवर, थैंक यू पूजा जी। नहीं अच्छी बात है, इंडिया में भी प्यार करते हैं लोग। वली अहमद, ब्लॉग्स आर गेटिंग बेटर एवरी डे, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आता है ना बंदे में, तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है। और रजा लीला काशी भाई, ड्राइविंग मस्त है माशाल्लाह, थैंक यू भाई जान। यार असन मेरी बात से काम करते हैं कि हाथ तक पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि 900 मैं रस्ते में चाहते जाते नहीं पड़ सकता, गाने भी लगाते हैं ऐसे बोर हो जाएंगे, तो बाकी वापस आके मार लेंगे मल्ले में ही। ठीक है अभी गाने लगा लेते हैं। ओके सो इधर आ गए हैं कैफे, अब कैफे आए तो मूड ही बन गया हमारा थोड़ा सा। वहाँ से निकल के हम घर जाते, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा ग्लो भी बनाना है, आंसर भी करना, आज वादा किया हुआ सबसे। मेरा फ्लाइट पर हो गया, जाना भाई ना ना पागल है, शो मर जाएगी गाड़ी, नया कहाँ से चल उतार के अंदर रख दे, रहने दे यार दफा कर, ये रख दे उतार ले।
मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करना भूल गया था, तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग ही है यही वाला जो मैं घर के अंदर बैठ के बना रहा हूँ। तो करते हैं फिर कमेंट कर रिप्लाई, शुरू करते हैं। अच्छा साथ हर ब्रो, बिग रिस्पेक्ट ऑफ योर स्किल। अच्छा साथ हर ब्रो, बिग रिस्पेक्ट ऑफ योर स्किल्स। अदर नेट डैट क्या डिफरेंस, तो हाईलाइट करें ये। यहाँ से पहले पढ़ चुका हूँ मैं, हाँ यहाँ तो मैं चला गया हूँ, नीचे था थोड़ा। पूजा के पास था, पूजा खैर ये नहीं मैंने यहाँ से पहले। आपके सारे ब्लॉग देखे हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया है, थैंक यू। ब्लॉग बहुत कमाल होते हैं आपके, डर्निंग आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। देख डेली ब्लॉग ब्रो ओपी, प्लीज़ आल्सो प्लान डेसी अपलोड वीडियोस। अच्छा मैम डेली ब्लॉग अपलोड की फुल ट्राई मैं करता हूँ, ठीक है। पहले कम टू दी मेन पॉइंट, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, जो बीच में नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर जो कर लिखते हैं कि ये चूतिया या फला ए पेट्रोल वाले या तू ये या शोखी मार रहा है ये फला, बगैर सोचे समझे उनको चैनल से हाइड कर दो। सारी उम्र भी ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा, जब तक कोई और नया अकाउंट नहीं बनाएंगे, या ब्लॉक कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इनबॉक्स से मैसेज आते हैं मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे, भैया आपने ब्लॉक कर दिया, भैया हमारी कोई गलती नहीं थी। मैं भाई पागल ऐवें तुम लोगों को हटा दूंगा, भाई कोई हरकत कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को चैनल से हटा रहा हूँ ना, तो ज़रा सोच समझ के किया करो। आप लोग बड़े टाइम लगा के कमेंट करोगे, मैं सेकंड में आपको ब्लॉक भी कर दूंगा, क्योंकि उल्टा कमेंट करोगे तो बी केयरफुल। अच्छा वेटिंग फॉर फुल मोटिवेशन स्मोक इट, इंशाल्लाह 8 GP के साथ मीटअप इंशाल्लाह जल्दी होगा, भाई लोग आएंगे तो मिलेंगे हम। चैनल देखने का मज़ा आता है, अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब करे। मशम हुसैन, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, शुक्रिया भाई जान। अच्छा मैं माइंड ना करना, मैं मेन मेन जो कमेंट्स होंगे ना उनका रिप्लाई करूँगा, और साथ साथ जो है ना एक तो घर वाले भी देखते रहते हैं, बाबा घर में बनाने लगता है, बाकी बड़ा मुश्किल है। तो साथ साथ जो नाम होगा उनका लूँगा, जो अगर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लव यू ब्रो या हैवी या एंड, उनको यार एडवांस में बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अब यहाँ पे मेन की बात करते हैं, क्योंकि 1000 कमेंट हो गया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा सबका रिप्लाई करना। हमजा शेख, वाई सिटी वाई नॉट रिबर्ट और समथिंग एल्स। यार आप लोगों का जो मेरे पुराने यूज़र्स हैं उनको पता होगा कि मेरे पास पहले रिबॉन थी, ठीक है। सिटी इसलिए यार क्योंकि मैंने फिरना होता पूरा दिन आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने हैं, पूरा दिन गश्त करते रहना पूरे लाहौर का, कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आना, खर्चा पानी करना, हर चीज़ करना। रिबॉन पे पेट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, ठीक है। रिबर्ट तो मैंने इसलिए ली यार, जितने में अगर मैं 28-29 लाख खर्च रहा हूँ सब कुछ मिला के, और रिबर्ट तो उसमें बड़ी अच्छी आ जानी थी, नया मतलब कि 15-16 में 15 तो मॉडल उसका आ ही जाना था, ठीक है, यूज़ में आना था। मैंने फिर नई गाड़ी को प्रेफर किया, मैंने कहा नहीं ले लेते, कोई मसला नहीं, रीसेल है सब कुछ है, बेच के की ओर ले लेंगे अपनी चीज़। काशिर ब्रो बाल ना कटवाना लंबे करो, यार ये देखो ये पीछे तो ना कर्ल ही जा रहे हैं, क्योंकि यार ये नेक से आपको पता है अटैच होता है, साफ पसीना आ रहा होता है बंदे को। ब्रो करूँगा रिएक्ट 26-68 सब्सक्राइबर्स, ये मैं ज़्यादा करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे, 100K तक लेके जाएंगे। अभी हालांकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ, आप सब जानते ही हो गए। ब्रो ब्लैक वाज लुकिंग सो डोप, रिम्स ऑर्डर करवा रहा हूँ कल, कल ही पेमेंट करके आऊँगा, सिल्वर वाले देखना। ट्रीट मर गए भाई से, लव यू काशी भाई। अच्छा यार जो लोग ब्लॉग देखते हैं वो इंस्टा पे ज़रूर मुझे फॉलो करें, अकाउंट प्राइवेट है पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओपन मेरे भरा हमजा सेठ नाल रेस कर ले, ओपन आवाज तनू रोड भी तेरी मर्जी दा अब्दुल्ला मलिक। मैं बता के रेस नहीं करता, रेस हमेशा रैंडम ही अच्छी लगती है, ठीक है पहली बात। और आप कह रहे हो कि मैं रेस कर लूँ तो आप पहले मुझसे मिल तो लो, लोग मिलने के लिए बैठे हुए, मिल नहीं पा रहा तो आप तो फिर बहुत आगे की बात ले गए, पहले यहाँ तक आ जाओ फिर मैं वहाँ तक आऊँगा। काशी भाई बिग फैन, अच्छा 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 एक्सलेंट कटिंग,
भाई आपकी ड्राइविंग अमेजिंग, लव यू फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर मैं जाता रहता हूँ क्योंकि वहाँ हमारा घर है और मेरा सारा जो रिलेटिव है पापा की साइड के दाद का वहीं पे ही है, तो इंशाल्लाह इस साल ही मैं जाऊँगा अभी कई बार ईद के बाद। मीना के साथ क्या रिलेशनशिप रहते हैं लोग? मीना के साथ प्लीज़ मनाहिल के साथ रिलेशन नाइल बंदी है, और इसकी बात करें तो उसको वो इंशाल्लाह जल्दी उसके साथ एक ब्लॉग में अपलोड करूँगा, आप सब भी देखिएगा। जियो भाई जान लव फ्रॉम कराची, लव यू टू ब्रो। अच्छा हमें मेरी हालत ठीक नहीं आ रही वो इस वजह से क्योंकि मैंने लगाई हुई है रिंगलाइट, इंग्लैंड में आपको होता है डार्क स्पॉट्स वगैरह सब कुछ कितने नुमाया होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, ठीक है बस ये इतने ज़्यादा चिट्टा भी होना, बस कलर चेंज कर लेते यही ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, मैं आपकी तरह बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा मैंने साफ लगाया कि ना बच्चे मेरे ज़्यादा फैंस हैं, वो इस वजह से क्योंकि आजकल की जो जनरेशन का वो है इंटरेस्ट है वो कार्स की तरफ है, तो मेरा भी शुरू से कार्स की तरफ ही है और अल्लाह ने बड़ी तरक्की भी दी है, काफ़ी अच्छा नाम भी है कार्स ग्रुप में। आपकी स्किल मीटर डाउन करो होंडा सिटी का, जब सब करूँगा टेंशन ना लो, क्योंकि इसके टायर इतने खास नहीं आए तो जब रिम टायर लग जाए उसकी बात करूँगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो तमीज़ का, वो ऐसे ही यार बच्चा आ गया था काशी पर कभी पिंडी चक्कर लगाओ, मैं लगाता रहता हूँ इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद या बड़ी ईद के मेक मोर व्लॉग्स वी आर वेटिंग। भाई मैं रोज़ाना अपलोड कर रहा हूँ टेंशन ना लो, माशाल्लाह माशाल्लाह तो पता चल जाएगा मोटिफाई करना खाला जी का वाड़ा नहीं है किस एक ढाई तीन लाख रुपये उधर लगाओ, मैं 12 प्रो मैक्स ना निकाल लूँ या बल्कि नवंबर में 13 आ जाएगा वो ना ले लूँ, जिगरा देखूँगी पैसे मिलते नहीं हैं वापस, बड़ा मुश्किल है। मॉडिफाई योर इंजन एंड बॉडी के इंडिया आ जा भाई, रेस लगानी पोलो जी टी टी एस आई। भाई आपने कह देते हैं काफ़ी इंडिया में आ नहीं सकता, आज लेट हो गया वरना फास्ट होता, कोई बात नहीं ब्रो नेक्स्ट टाइम से ब्रो। आई एम 15 आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 5, माय लाइफ वांट टू लर्न दिस। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे बाप लेवल ड्राइविंग यार, बहुत शुक्रिया माज भी नहीं। अब्दुल्ला चीमा आपने कहा था मीटर डाउन करेंगे, कब करेंगे? रिम्स आ जाएँ ज़रा उसके बाद मैं करूँ कि मेरी 1000 रनिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद करता हूँ, ठीक है। बेस्ट ब्लॉगर एंड क्लीन डैश ड्राइवर, थैंक यू। कौन था वैसे नाम नहीं पता, मैं ज़रा स्किप कर करके चल रहा हूँ। डी बर्थ इतनी भी खास रीबर्थ नहीं है, बात सिर्फ अंदर ड्राइवर की होती है वो कैसे चलाता है। मैं मेरा खत नहीं हुआ हुआ माइंड ना करना, मैं बड़ी करूँ ज़रा ये ख़राब हो गया था मेरा। यार ये जो सवाल आप लोगों ने मुझे कमेंट्स पे किए हैं ये इंस्टाग्राम पे करो ना फॉलो करके, मैं उधर लगाता हूँ क्वेश्चंस, तो वहाँ पे ज़्यादा सूट नहीं करने थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं और मैं तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने 100 भी क्रॉस किया होगा, और फिर ऐसे ले जाना लोगों के भाई प्लीज करो आपको लैब विद RGB इंशाल्लाह। काशिर भाई इसको मोटरवे पे लेके जाओ या किसी खुली रोड तो स्पीड दिखाओ लोग में, जस्ट एन आइडिया। ज़रूर थोड़ा सा सब हौसला। अच्छा वीडियो जितनी लंबी हो, एम ए मलिक आई डोंट नो लड़की है कि लड़का, लेकिन वो कह रहा है या कह रही है जितनी लंबी वो वीडियो बना करो देखने का मज़ा आता है। सो आइए वीडियो बहुत लंबी है, देखता हूँ आप लोग कितनी देर देखते हो, ये वैसे वीडियो बोर ही जाएगी मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि इसमें सबके आंसर के जवाब देने हैं क्वेश्चन। बट आई लाइक योर ओरिजिनल कार व्हील कैप, वो आप ले लेना जब मैं उतारूँगा ना अभी। आप इरिडियम से स्पार्क प्लग डलवा लो, थिक स्पार्क वाले पिक अच्छी यार, 1.3 से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितनी पिक दे देगी जी। अच्छा ये मेन सवाल किया भाई ने, सही तो कास अली
काशी भाई आपने व्लॉग में कहा मैं अपने पैसे से मॉडिफाई करवाता हूँ आपका बिजनेस, कुछ शेयर करेंगे मैसूर बिग मैन, ये मैं बड़ी बात की है भाई ने, तो मैं बता दूँ भाई जान ना तो मेरा कोई बिजनेस है ना तो कोई कारोबार, मतलब बिजनेस कारोबार एक ही है। मेरी अर्निंग कहाँ से है? ऑनलाइन, लाइक स्नैक ऐप से अर्न कर लिया, क्योंकि मैं टिकटॉकर भी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं टिकटॉक पे फॉलो किया होगा उनको पता ही होगा टिकटॉकर भी हूँ, तो वहाँ से स्नैक मुझे पे करता है, स्नैक ही बस ठीक है अलहमदिल्ला ठीक पे कर रहा है, यूट्यूब भी पे करता है, और साथ ही ना एक दो जगह और हाथ मारा हुआ है, कमेटी कमोटी ये वो लटरम बटरम चलता रहता है, तो निकल जाता है मेरा महीने का आराम सुकून से। के ब्रो ब्रो बारों पर क्या यूज़ करते हो? आई लाइक दिस हेयर, कुछ भी नहीं यूज़ करता आप लोगों के सामने है, अभी तो आजकल खुश्की आ गई है बालों में, पता नहीं मेरे हाथ से पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आई है। मंडी क्यों नहीं जा रहा? मामला खराब है और ये नेट स्लो है, लोडिंग हो रही है। कासिम शाह के पास आके रुके हम यार, चलो लग रहा मुझे अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देना पड़ना, पड़े कमरे में है ना वाईफाई। यार छोड़ो इसको, एक पल के लिए ना हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है? आप लोगों के जो सवाल है ना वो मुझे भी पता है क्या होंगे क्या नहीं, ज़्यादातर सवाल जो थे एक बिजनेस का था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, मॉडिफिकेशन का था वो मैंने उसके अगले व्लॉग में बता दिया हुआ था कि मॉडिफिकेशन जो है वो मैं कब कराऊंगा और कितना टाइम मुझे लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था कि क्योंकि महीना बड़ा टाइट चल रहा है मेरा ये वाला, तो लेकिन फिर मैंने रिम मंगवा ली है, मेन काम रिम्स होता है, क्योंकि लाख रुपया खर्चना एक पल के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब लाख रुपया एकदम निकालना, तो पहले वो निकालें, बाकी चीज़ें तो साथ साथ आती रहती हैं, 30,000 की बॉडी किट आ गई, 30,000 की लाइट आ गई, एक एक करके बंदा ले लेता है। रिम्स का मसला डलता है, वो मैंने ले लिया, लिए नहीं है, कल पेमेंट करूँगा। और आप लोगों का क्या सवाल होता है? शुक्र चल पड़ा, देख लेता हूँ मैं। लव यू, जो भी लव यू कह रहे हैं उनको लव यू टू, बहुत ज़्यादा लव यू टू, और मेरे पिंपल को इग्नोर करना, फिर बता रहा हूँ। छागे का शेर जानिए, आप मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप मुझसे ज़्यादा एटलीस्ट फर्स्ट सर्विस तक सिटी को ना डकरो, इंजन जल्द बैठ जाएगा। अब मैं आप लोगों की बात बताता हूँ, रिव्यू रनिंग का मुझे कह रहे हैं यार, आपने 70 नहीं ली ना होंडा ली है, ठीक है? आपने लिए गाड़ी ली है 25-30 लाख की जो शोरूम से आप लेके आए हो, इनकी रनिंग जो है ना पीछे से इंजन से हो के मतलब कि कम लग के आती है, रनिंग हो के आती है, वो पागल नहीं है होंडा वाले कि हमारे हाथों में छोड़ देंगे कि हम इसकी रनिंग खुद करें, हमने तो गाड़ी को यह के तय लगा देना, गाड़ी को बचने वाले कुछ नहीं, अगर हमारे हाथ चढ़ गई, पीछे से रनिंग हो के आती है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप शोरूम जाएँ, उनसे पूछें ये गाड़ी मैंने लेनी है इसकी रनिंग कितनी है, वो आपको बता देगा कि रनिंग पीछे से हो के आती है, सर आपको रनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उनके जहन से शक निकाल ले जो समझ रहे हैं कि क्योंकि मैं पीछे रिवॉन भी चलाता रहा हूँ, मतलब ये काफ़ी मेरा RPM तो 6 से नीचे आता ही नहीं, इतना मैं खींच के गाड़ी चलाता हूँ, कुछ भी नहीं होता यार, झूठा गाड़ी चलाने के लिए लेता है बंदा यार, क्या हो गया? अगर आपने संभाल के रखनी हो बाद में बेच दें तो अगले बंदे के लिए संभाल के रख रहे हो भाई, खुद के लिए यूज़ करो, गाड़ी को यूज़ करो, चलाओ उसको, उसने देना उतना ही है, जब उसकी एक टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगी ना तो उसने खुद ही ख़त्म हो जाना गाड़ी ने, ठीक है? पर आपको करने की जरूरत नहीं है, अब जब बंदे की किस्मत हरी होगी ना तो फ्लाइट फॉर गाड़ी भी आग लग जाती है मोटरवे या कहीं पे, ठीक है? ये ऐसा कोई इशू नहीं होता, इसकी वारंटी भी तो है गाड़ी की, फ़ायदा भी तो लेना है, इंश्योरेंस भी तो है गाड़ी की, फ़ायदा भी तो लेना, अल्लाह हस्ते कर रहा हूँ सब कुछ, क्या हो गया ब्रो? सीरियस टेक इट सीरियस। रिम्स के बारे में, रिम्स कल देख लेना भाई, कल ऑर्डर करवा दूंगा, परसों देख लेना, सॉरी कल नहीं आएंगे, नहीं कल से सुबह पेमेंट करूँगा उठ के साथ। अच्छा मेरी वैसे व्लॉग अपलोड करने की टाइमिंग क्या है? नॉर्मली मैं वैसे उठता 3-4 बजे था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जल्दी उठता हूँ, 12 बजे उठता हूँ, फिर व्लॉग एडिट करता हूँ, तकरीबन 1:15 या 1 या 1:30 इसके दरमियान में व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग
रोज़ देखा करें, और जो लोग में मेरी बातें अच्छी ना लगें या जो मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों के जो आपकी कदर करूँगा और वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। ऑटोमेटिक why you not want automatic city। ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से चलती है और मैनुअल हमारी मर्ज़ी से चलती है। ऑटोमेटिक लेडीज़ कार होती है और मैनुअल मर्दों की गाड़ी होती है, ये बड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा पर्सनल भी यही है कि लड़कियों की गाड़ी होती है ऑटो, और मैं ज़्यादा ऑटो को प्रेफर नहीं करता। ऑटो जो है ना बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा लगता है, लाइक फॉर्चूनर हो गया, V8 हो गया, प्राडो हो गई, छोटी इन गाड़ियों में क्या ऑटोमेटिक में लेगी, करना भी क्या। 3 साल हो गए हैं बिग ब्रो, लव यू ब्रो। ये लो, फिर नेट स्लो हो गया, प्यास लग गई है। बुरा लग रहा हूँ तो माइंड नहीं करना। इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, उनको दिल से लव यू। आप लोगों के कमेंट्स या रिप्लाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अक्सर औकात में करता रहता हूँ, तो लेकिन मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ सबके, तो आप लोग करते बहुत बहुत शुक्रिया। सो ब्लॉग एंड करें भाई, ये ब्लॉग तो कंफर्म 30 मिनट का चला गया हुआ है। बाकी अब मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया करूँगा, आप लोग कमेंट्स करते रहा करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।